one class, class as we know that we are going to chapter 7 from the Flamingo, and the title of the chapter is the interlude, and we are going to part 2nd of this chapter, and we are going to the interview of a famous professor, Humberto Eco. And the name of the interviewer is Mukund Padmanabhan. We have already read in the previous lectures that different questions were put by the interviewer, and the professor Humberto Eco gave the answer of each and every question. On one hand, Humberto Eco was a famous professor, and on the other, he also became a famous novelist. Now, we are going to page number 72. And one more question was asked by the interviewer, Mukund Padmanabhan. देखे मुकुंद पद्मनाभन simply Humberto Eco से पूछते हैं कि the name of the rose, जो novel उनके द्वारा लिखा गया था, तो उसको लिखने के बाद भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए, एंड द पीपल ऑल्सो स्टार्टेड कॉलिंग हिम ए फेमस नॉवलिस्ट, और लोग उन्हें एक फेमस नॉवलिस्ट कहकर पुकारते थे. तो देखिए मुकुंद कहते हैं कि विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ ही इज गोइंग टू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेम ऑफ द रोज इज ए वेरी सीरियस नॉवल. देखिए द नेम ऑफ द रोज एक बहुत ही सीरियस नॉवेल है. इट इज ए डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल, बट इट ऑल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री. ऑन वन हैंड इट प्रेजेंट्स ए काइंड ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी, एक और तो एक प्रकार से ये डिटेक्टिव है, जासूसी से भरा हुआ है, और दूसरी ओर इसमें मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मेडिवल हिस्ट्री के बारे में भी वर्णन किया गया. मेटाफिजिक्स स्टैंड्स फॉर इट इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी, थियोलॉजी बच्चों धर्मशास्त्र को कहते हैं, और मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बताया गया मध्यकालीन इतिहास के बारे में. येट इट एंजॉयड ए ह्यूज मास ऑडियंस, बट इट वॉज रेड बाई ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ऑडियंस. लेकिन फिर भी ये बहुत लोगों के द्वारा पढ़ा गया. वर यू पजल्ड एट ऑल बाई दिस. तो देखिए एट दिस Humberto Eco गिव्स द आंसर, नो जर्नलिस्ट आर पजल्ड. आई एम नॉट पजल्ड बट जर्नलिस्ट आर पजल्ड. बोले मैं पजल नहीं हूँ इस बात से. बहुत सारे जो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो पजल हैं हुए. And sometimes publishers, publishers also became puzzled. And this is because journalists and publishers believe that people like trash and don't like difficult reading experiences. और इस बात से journalist और publisher इस बात पर विश्वास करते हैं कि लोग डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस के स्थान पर साधारण बातों को पढ़ना पसंद करते हैं. कंसीडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लेनेट. मान लीजिए कि इस प्लेनेट पर 6 बिलियन पीपल हैं. द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 to 15 million कॉपीज, बट द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 to 15 million कॉपीज. लेकिन ये जो नॉवेल है जिसका नाम द नेम ऑफ द रोज है, इसकी 10 to 15 million कॉपी बेची गई.
सो इन ए वे आई रीड ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ लीडर्स, और कह सकते हैं कि हम इसके थ्रू एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ लीडर्स तक पहुंचे, बट इट इज एग्जैक्टली दीज काइंड ऑफ लीडर्स हु डोंट वॉन्ट ईजी एक्सपीरियंसेस. लेकिन ये जो लीडर्स हैं, दीज लीडर्स आर दोज हु डू नॉट वॉन्ट ईजी एक्सपीरियंसेस. लेकिन ये लीडर्स वो लीडर्स हैं जो कि ईजी एक्सपीरियंसेस पढ़ना नहीं चाहते हैं. दे वॉन्ट टू रीड द डिफिकल्ट एंड टफ एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, और एट लीस्ट डोंट ऑलवेज वॉन्ट दिस. आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर. अब देखिए अपने बारे में बताते हुए फिर कहते हैं प्रोफेसर कि डिनर के बाद 9 बजे आई वॉच टेलीविजन एंड वॉन्ट टू सी ईदर मियामी वाइस और इमरजेंसी. कहते हैं रात्रि में डिनर के बाद मैं टेलीविज़न देखता हूँ और मैं मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम, दी आर सम ऑफ द फेमस सीरियल्स, तो ही सीज देम एंड इन्जॉयज देम. आई इन्जॉय इट एंड आई नीड इट बट नॉट ऑल डे. कहते हैं मैं इसे इन्जॉय करता हूँ जैसा कि मुझे इसकी आवश्यकता है, लेकिन पूरे दिन में. अगेन द इंटरव्यूअर पुट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवेल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डेल्ट विद ए पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री दैट. अब देखिए इंटरव्यूअर पूछना चाहते हैं कि दिस नॉवेल बिकेम वेरी फेमस एंड the huge success of the novel have anything to do with the fact. इंटरव्यूअर पूछना चाहते हैं कि जो नॉवल जिसका नाम द नेम ऑफ द रोज है, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, और जो इसकी प्रसिद्धि थी वो क्या इस बात पर डिपेंड करती है कि इसमें पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री के पीरियड के बारे में बताया था. तो अंबर टू को इस पर आंसर देते हैं. कहते हैं दैट इज पॉसिबल, दैट मे बी, बोले ये संभव हो सकता है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, बट ही इज गोइंग टू टेल अनदर स्टोरी टू द इंटरव्यूअर, बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक ए चाइनीज वाइज मैन. कहते हैं जैसा कि मैं एक चाइनीज वाइज मैन के समान हमेशा कहानियाँ बताता हूँ, और मैं आपको एक कहानी बताता हूँ. क्या कहानी? माई अमेरिकन पब्लिशर सैड वाइल शी लव्ड माई बुक शी डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3,000 कॉपीज इन ए कंट्री वेयर नोबडी हैज सीन ए कैथेड्रल और स्टडीज लेके. बोले एक बार मेरी एक अमेरिकन पब्लिशर थी, अमेरिकन पब्लिशर ने मुझसे कहा, हालांकि वो मेरे नॉवेल को पसंद करती थी, उसे मेरा नॉवेल द नेम ऑफ द रोज पसंद आया और उसने कहा कि इस नॉवेल की 3,000 कॉपी से अधिक उसकी कंट्री में नहीं, अर्थात अमेरिका में नहीं बेची जा सकती. इन ए कंट्री वेयर नोबडी हैज सीन ए कैथेड्रल, जहाँ पर किसी ने ना तो कैथेड्रल रखकर देखा, ना तो चर्च देखा, और ना ही लेटिन को स्टडी किया. सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3,000 कॉपीज, और इसलिए मुझे 3,000 कॉपीज के लिए एडवांस पेमेंट दिया गया. बट इन द एंड इट सोल्ड 2 to 3 million इन द US. लेकिन बाद में 2 to 3 million कॉपीज इस नॉवेल की अमेरिका में बेची गई. मीनिंग दैट बाई दिस नॉवेल ऑल्सो गॉट ए ह्यूज सक्सेस
इन अमेरिका, ऑल दो द अमेरिकन पब्लिशर एक्सपेक्टेड दैट ओनली 3,000 कॉपीज वुड बी सोल्ड देयर, बट इट गॉट ए ह्यूज सक्सेस एंड 2 to 3 million कॉपीज वर सोल्ड इन अमेरिका. A lot of books have been written about the medieval past, far before mine. कहते मेरे इस नॉवल से पहले बहुत सी पुस्तकें medieval past या medieval history के बारे में लिखी गई. I think the success of the book is a mystery. लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस नॉवल की जो सफलता थी या जो सफलता है वो एक मिस्ट्री है, वो एक रहस्य है. Nobody can predict it. बोले इसके बारे में कोई भी predict नहीं कर सकता. Nobody can foretell about it. इसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता. I think if I had written the name of the rose 10 years earlier or 10 years later, और मैं इस बात को भी सोचता हूँ कि मैंने 10 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद द नेम ऑफ द रोज नामक नॉवल लिखा होता तो इट वुड नॉट हैव बीन द सेम, तो ठीक ऐसा ही नहीं रहा होगा जैसा कि इस समय. इस समय मैंने इस नॉवल को लिखा एंड इट वॉज ए ग्रैंड सक्सेस. वाई इट वर्क एट दैट टाइम इज ए मिस्ट्री. वाई इट बीकेम वेरी सक्सेसफुल, वाई इट गॉट ए ग्रैंड सक्सेस, वाई इट बीकेम द बेस्ट सेलर ऑफ द टाइम वाज ए मिस्ट्री. और बोले जो नॉवेल था जिसने इतनी सफलता पाई, जितने एक ग्रैंड सक्सेस पाई, तो दैट इज रियली ए काइंड ऑफ मिस्ट्री, वो वास्तव में एक प्रकार का रहस्य. तो बच्चों दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप यू हैव गॉट इट. एंड रियली इन दिस सेकेंड पार्ट द प्रोफेसर टोल्ड द इंटरव्यूअर अबाउट his personal feelings and also about the success of the novel The Name of the Rose, saying that the success of the novel is a mystery. Okay students, so that's all. Thank you.